नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोफेसर सत्यजीत रथ के साथ कि दवाइयों की क्या हाल है कोविड-19 के इस बीमारी महामारी में। सत्यजीत, बहुत चर्चा बहुत दवाइयों की हो चुकी है, पर अभी तक डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर जिसपे कुछ मॉडेस्ट गेन्स कही जा रही है, इसके अलावा और खास कुछ दवाई नजर नहीं आया, ये सही है क्या? जी बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। मैं श्रोताओं को दर्शकों को याद दिला दूं कि पिछले चंद महीनों में जब भी हमने इस मामले में कोई जिक्र किया है तो सामने जो सच्चाई आई है वो एक तरीके से यूं है कि कोविड-19 के जो बीमारी के लक्षण है, खास करके गंभीर लक्षण है, उनके लिए जिसे मददगार दवाइयां कहें, मददगार व्यवस्थाएं कहें, जैसे कि ऑक्सीजन हो, जैसे कि वेंटिलेटर हो, जैसे कि अच्छी नर्सिंग हो, इस तरीके के जो वैद्यकीय उपचार हैं वो काम आते हैं, उनको लेकर काफी सुधार हुए हैं, जिनकी वजह से कोविड-19 के गंभीर रोगियों के मृत्यु की मात्रा कम होने लगी है। लेकिन खास इस बीमारी को लेकर कोई दवाई क्यों नहीं है, ये सवाल पहले से पूछे जा रहे हैं। और फिर एक बार याद दिला दूं कि जब गंभीर लक्षण पैदा होते हैं बीमारी के तो शरीर में होता क्या है। तो पहली तो बात ये है कि ये जो विषाणु है SARS-CoV-2, ये कबीर जी के भगवान जैसा है, यानी कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। तो सब श्वासों की सांस में इस विषाणु की का आदान प्रदान होते रहता है। तो जाहिर है कि शरीर की, बदन की पहली मुलाकात इस विषाणु के साथ सांस के माध्यम से होती है। तो जाहिर है कि हमारी जो सांस नलिकाएं हैं उनके जो आवरण है उन कोशिकाओं में पहले यह विषाणु पहुंचेगा। तो जो कुछ पहली मुलाकात के बाद होना है वो इस जगह शरीर में और इन कोशिकाओं में होना है। तो जब कोशिका को जानकारी पड़ती है कि विषाणु अंदर घुस आया है तो वो कोशिकाएं और उसके इर्द गिर्द जो हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, तो वो उत्तेजित होके ऐसे कदम उठाती हैं जिनकी जिनसे दो तरीकों के की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक विषाणु की बढ़त पे रोक लगाने की प्रतिक्रिया, शुरुआत में विषाणु की बढ़त पर रोक लगाने की प्रतिक्रियाएं टाइप 1 इंटरफीरॉन मार्फत की जाती है। तो इसलिए जाहिर है कि जितनी जल्दी टाइप 1 इंटरफीरॉन उत्तेजित हो जाए और काम करने लगे उतनी जल्दी विषाणु के पहली बढ़त पर काबू मिल पाए। दूसरी बात है, दूसरा प्रतिक्रियाओं का जो गुट है वो है कि विषाणु एक जगह पहुंचा है, नाक में, गले में, फेफड़ों में, कहीं 1-2-4 जगह पहुंचा है, वहीं के वहीं उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रखना चाहिए बदन में और इर्द गिर्द फैलने नहीं देना चाहिए। अगर यूं है तो उसको कंटेन्ड रखने के लिए, उसको क्वारंटाइन करने के लिए इस दूसरे गुट की प्रतिक्रियाएं काम आती है, जिन्हें आम तौर से शोथ प्रतिक्रियाएं कहते हैं, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये दो तरीकों की प्रतिक्रियाएं हैं।
हाल के जो नतीजे सामने आए हैं अनुसंधान के, उनसे जाहिर हो रहा है कि जैसे कि और कोरोना वायरस के बारे में, यानी कि इसके भाई बंदों के बारे में जैसे वैज्ञानिकों ने पहले भी जाना था, इस विषाणु में भी ऐसे साधन मौजूद है इसके पास कि जो टाइप वन इंटरफीरॉन प्रतिक्रिया है उस पूरे मार्ग पर रोक लगाए, या तो टाइप वन इंटरफीरॉन के बनने पर रोक लगाए या तो टाइप वन इंटरफीरॉन के काम करने पर। तो जाहिर है कि पहले शुरुआत में जो वायरस की बढ़त होती है उस पे शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो रोक लगाती हैं उसमें इस विषाणु के होते बाधा पहुंचती है। अब ये नतीजे हाल में सामने आए हैं, और जो एक दो महीने पहले हमने जिक्र किया था कि जो दवाएं काम करती दिखाई दे रही हैं, उनमें एक अग्रेसर दवा थी बाहर से शरीर में टाइप वन इंटरफेरॉन देना, और अब हमें लगने लगा है कि ये दो जो नतीजे सामने आए हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि वायरस की विषाणु की वजह से टाइप वन इंटरफेरॉन की प्रतिक्रिया पर कुछ हद तक रोकथाम लगती है, और इसलिए बाहर से टाइप वन इंटरफेरॉन शरीर में दे दो तो किसी हद तक शरीर को विषाणु के खिलाफ सुविधा मिलती, थोड़ी सी राहत मिलती है। एक जो आप कह रहे हैं कि इंटरफेरॉन बाहर से दे दो, तो इसमें अभी इनहेलेशन की जो कहते हैं हवा के साथ देने से लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपने जो कहा कि श्वास 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 नाली में पहली मिलंत जो होती है उसको वहां रोकने की तब संभावना बढ़ती है। तो इनहेल्ड इंटरफेरॉन देने से, जो चीन में भी दिया गया था क्यूबा की दवाई इंटरफेरॉन अल्फा की जो बात हो रही थी, अब इस वक्त इंटरफेरॉन बीटा की भी कुछ बात आ रही है, 1B जो भी है, तो आपको ज्यादा मालूम होगा, इन सब नामों से मैं वाकिफ नहीं हूं। तो इन सब चीजों से लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ हद तक राहत मिलती है, और प्रॉमिस जो है वो रेमडेसिविर जैसा ही है कि कुछ हॉस्पिटल स्टे कम कर देने की, सीरियसनेस बीमारी की और न बढ़े, इसकी कुछ परसेंटेज इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। तो जैसे आपने पहले कहा था मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट, ये भी मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट दिखा रही है। आपने पहले भी कहा था रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, और ये भी कोई मैजिक बुलेट उस तरह का नहीं है। जी बिल्कुल, और जो तुलना आप कर रहे हैं बिल्कुल जायज है, क्योंकि रेमडेसिविर को लेकर भी कुछ नतीजे ऐसे हैं कि बहुत मददगार नहीं है, कुछ नतीजे ऐसे हैं कि हाँ किसी हद तक मददगार है। इंटरफेरॉन्स को लेकर भी, और उसमें जैसे आप मजाक में कह रहे हैं गड़बड़ियां और भी है, क्योंकि 2-3 अलग अलग किस्म के इंटरफेरॉन है, और उसमें से कौन सा ज्यादा काम करे, कौन सा कम काम करे, क्यों काम करे, ये भी और जटिल प्रश्न खड़े होते हैं। इम्यून सिस्टम बड़ी जटिल चीज वैसे भी है, और बहुत कम डॉक्टरों को भी उसकी समझ है, ये मजाक किया जाता है। तो लेकिन टाइप 1 इंटरफेरॉन बतौर दवाई के लेकर भी इसी तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। एकाध में देखा गया है कि अगर शरीर में सीधा सुई से दे दो तो काम आता है, जो सांस से देने की बात हो रही है, इनहेलर से देने की बात हो रही है, उसको लेकर एकाध नतीजा ऐसा है कि बहुत काम नहीं करता, एकाध नतीजा ऐसा है कि कहानी कुछ हद तक काम करता है। तो अभी पक्की बात सामने नहीं आई, लेकिन कुछ उम्मीदें सामने आई हैं जरूर, रेमडेसिविर को लेकर भी और टाइप 1 इंटरफेरॉन्स को लेकर भी, जैसे कि डेक्सामेथासोन को लेकर। डेक्सामेथासोन, मैं आपको याद दिलाऊं, वायरस की बढ़त पे रोकथाम नहीं लगा,
डेक्सामेथासोन, ये जो शोथ प्रक्रियाओं का जिक्र हमने किया, इन्फ्लेमेशन का जिक्र हमने किया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कंटेनमेंट जरूर करता है, क्वारंटाइन जरूर करता है, लेकिन अगर फेफड़ों में कई जगह क्वारंटाइन होने लगे तो फेफड़ों के काम पर असर पड़े, तो तब जाके इन्फ्लेमेशन को कम करने से राहत मिलेगी, मदद मिलेगी बीमारी में। तो डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये संतुलन है कि कब इन्फ्लेमेशन को हमने रोकना नहीं चाहिए, कब ज्यादा होने वाले शोथ को, इन्फ्लेमेशन को हमने रोकना चाहिए। तो ये सब जो दवाई के मार्ग हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे टाइप 1 इंटरफेरॉन हो, चाहे डेक्सामेथासोन हो, ये सब जो एक इलाजों का ढांचा है, उस ढांचे में अनुभव के आधार पर बिठाते जाना है, लगवाते जाना है। तो एक फाइन बैलेंस इनमें आनी चाहिए कि कब क्या देना है और कितने मात्रा में देना है। एक मिनट इस बात पे आए कि आपने कहा था कि डेक्सामेथासोन में फायदे कुछ हद तक हुए हैं, कि सीरियस केसेस की कुछ परसेंटेज इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ा है, और ये भी है कि इन्फ्लेमेशन को कम करने से एक लॉजिक भी बनता है कि इससे फायदे होने चाहिए, बशर्ते कि वो वायरस के रोकथाम पर लगाम एकदम छोड़ ना दे, जो आपने कहा था कि बैलेंस इसमें करना है। पर मैं और दो तीन दवाइयों की बात, चर्चा काफी हो रही है और उस पर काफी महंगी दवाई है, खासतौर से जो जूमैब मैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसी दवाइयां हैं, टोसिलिजुमैब, इटोलिजुमैब, इसकी बात हुई, हमने पहले भी चर्चा की थी इसकी, तो काफी महंगी दवाई होने के बावजूद इस पर कोई खास असर या फायदा नजर नहीं आ रहा है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या ये सही है कि इस पर खास फायदा नहीं नजर आ रहा है? मैं दो मुद्दे करना चाहूंगा। एक मुद्दा तो जो आपने कहा सो है कि टोसिलिजुमैब को लेकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ाने वाले नतीजे हैं नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलते कुछ हद तक मददगार नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक जो आए हैं बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ाने वाले नतीजे तो हैं नहीं। इसमें हमने एक बात याद रखनी चाहिए, डेक्सामेथासोन शोथ कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, लेकिन डेक्सामेथासोन शोथ इन्फ्लेमेशन की जो के जो काफी कंपोनेंट हैं, घटक हैं, उनमें से बहुतेरे घटकों को कम करता है। ये जो मैप दवाइयां हैं काफी महंगी हैं, ये मैप दवाइयां इनकी एक अच्छाई भी है और एक मर्यादा भी है, वो ये है कि शोध की जो अनेक घटक प्रक्रियाएं हैं, इनमें से हर एक मैब दवा एक ही घटक पर काम करती है, तो चुन चुन के काम करती है। अब इसमें फायदा है, लेकिन फायदा तब है जब ये घटक उस विशिष्ट शोध की अवस्था में बहुत ज्यादा हद तक कार्यरत हो, लेकिन ये COVID-19 को लेकर हम नहीं जानते। तो कौन सी इन्फ्लेमेशन फॉर्म्स हमारे शरीर में हो रहा है, अब ये जब तक नहीं जानेंगे ठीक तरह से, तब चुनेंगे क्या, वो भी एक सवाल। तब तक ये जो चुनिंदा दवाई है मैप वाली, वो काम करेंगी कि नहीं, ये तो ट्रायल एंड एरर से मालूम पड़ेगा। डेक्सामेथासोन की बात अलग है, वो इतने शोध के घटकों पर काम करता है कि तकरीबन कर ही लेगा कुछ ना कुछ पे लग ही जाएगा, कुछ ना कुछ हुआ। एक मुद्दा लगी जाएगा। लेकिन मैं दूसरा मुद्दा उठाना चाहूं, वो ये है कि मैप्स के बारे में जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि महंगी दवाइयां हैं, और महंगी दवाइयां इसलिए हैं क्योंकि पेटेंटेड दवाइयां हैं, आमतौर से सारी उसी हद तक पेटेंटेड है नहीं, वो तफसील के मुद्दे हैं तो हम थोड़े अभी उसमें ना जाएं, लेकिन आमतौर से पेटेंटेड दवाइयां,
आमतौर से जो छोटी दवाइयां हैं, छोटी मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल दवाइयां हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन, वो नॉन पेटेंटेड है। जो बड़ी मॉलिक्यूल मैप जैसे बड़ी मॉलिक्यूल वाली बायोलॉजिक्स वाली दवाइयां हैं, उनमें टाइप 1 इंटरफेरॉन काफी हद तक नॉन पेटेंटेड है क्योंकि उसका पेटेंट खत्म। और क्यूबा इसको मेरे ख्याल से 1986 में इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू किया था, तो उसका पेटेंट भी इस वक्त नहीं है और क्यूबा होने के नाते वैसे भी मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन इनहेलेशन से देने के लिए टाइप 1 इंटरफेरॉन अभी तक मेरे ख्याल में किसी हद तक पेटेंट वाले मसले बीच में आए। पर क्यूबा वाले इंटरफेरॉन जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है तो इसीलिए उसको इनहेलेशन फॉर्म में डालने में दिक्कत नहीं। ये मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो वो उतनी आसान बात नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि जो फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा वो काफी पेचीदा होता है। तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि कौन सी दवाइयां पेटेंटेड है, कौन सी नॉन पेटेंटेड है। सत्यजीत, इस पे थोड़ा सा अलग चले, इस पे थोड़ा सा मैं आपको दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ। हमारे 3D के मुताबिक, पेटेंट एक्ट की 3D के मुताबिक फॉर्मुलेशन आप किसी भी तरह करें वो पेटेंटेबल नहीं होगा। तो हिंदुस्तान में फॉर्म चेंज करने से पेटेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं उसी ओर जाने वाला था कि कई तरीकों से इनहेलेशन टेक्नोलॉजी, जो फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, वो ना कि सिर्फ इंटरफेरॉन जैसे दवाइयों के लिए काफी काम आएगी, और भी दवाइयां हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन। अच्छा, ठीक है। जैसे कि और वैसे ही अलग अलग जो रिपर्पज्ड ड्रग्स हैं, प्रतिमार्गित दवाइयां कहें जिन्हें, के उनके कोई पेटेंट है नहीं। अलबत्ता वो SARS-CoV-2 के खिलाफ काम करती हैं, ऐसा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अगर कुछ काम करें तो पेटेंट बीच में ना आवे। ऐसे अनेक अनेक क्लिनिकल ट्रायल्स अभी जारी हैं, चल रहे हैं, और हो सकता है आते दिनों में हम और भी चर्चा करेंगे ऐसी दवाइयों को लेकर जो पेटेंट प्रोटेक्शन के बाहर हैं और किसी हद तक मददगार दवाइयां के रूप में साबित होंगी, सामने आएंगी। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि कौन सा पेटेंट पे आएगा नहीं आएगा, पर यह भी सही है कि इस वक्त जो क्योंकि एक पैंडेमिक स्थिति है, दोहा डिक्लेरेशन के तहत ट्रिप्स में भी इसकी कोई रुकावट नहीं है पेटेंट तोड़ने की, और ज्यादातर देशों की पेटेंट एक्ट में, अमेरिका का भी ये प्रबंध है कि आप ऐसी कोई दवाई अगर आती है जिसकी आपकी हेल्थ इमरजेंसी में काम आएगा, ये तो आपका एपिडेमिक में काम आएगा, उसकी पेटेंट दे कोई भी देश इसको तोड़ सकता है। तो हथियार तो है, राजनीतिक विल इसके लिए चाहिए, वो है या नहीं वो अलग बात है। मनोबल इसको कन्फ्रंट करने के लिए अमरीका को, खासतौर से इस पर अमरीका की सबसे ज्यादा आपत्ति होती है, तो ये तो अलग बात है। पर दवाइयों के बात में अगर फिर आए तो डेक्सामेथासोन पे इतनी चर्चा नजर नहीं आती जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन एकदम आसमान में चढ़ा दिया लोगों पे, और जब वो पता चला कि उस पर खास कोई फायदा नहीं नजर आता है, वो करीब करीब वो बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ अभी भी कही जा रही है कि उसकी प्रोफिलैक्टिक एक्शन है, पर उसकी डेटा क्या है उस पर हम नहीं जाना चाहते, पर उसमें बीमारी में खास कोई फायदा नहीं है, ये तो साफ हो चुका है। रिकवरी ट्रायल्स जो यूके में हुआ था, आई थिंक मेरे ख्याल से 10,000 की संख्या में उसमें अप्लाई किया था, उसके बाद जो निष्कर्ष पहुंचा इसके बाद तो कोई सवाल इस पे होना नहीं चाहिए। पर डेक्सामेथासोन एक दवाई है हमारे पास, इसकी भी चर्चा खास नहीं हो रही है जितनी रेमडेसिविर को लेके हो रही है, जिसपे हम जानते हैं कि बड़ा मॉडेस्ट गेन है उससे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसपे जिन कंपनियों के पास पेटेंट है तो वो भी इस चर्चा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नुक्स अपना रहे हैं, इसीलिए चर्चा में बहुत चलती है ये चीजें, पर वाकई किन चीजों में फायदा है उस पर खास चर्चा नहीं होती।
और जब वो पेटेंटेड दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद कोई फायदा नजर नहीं आता, उसकी भी खबर खास तौर से अखबारों में नहीं आती, क्योंकि उछालने वाला इसका कोई नहीं है। तो इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि निजी कंपनियां अपने फायदे के लिए इन नतीजों को उछालती हैं और बहस में, चर्चे में, नजर में रखती हैं। लेकिन दूसरा एक मुद्दा है और जिसे मैं उठाना चाहूंगा शायद बतौर आखिरी मुद्दा, वो ये है कि आप डॉक्टरों से, नर्सों से, अस्पतालों से पूछें कि भैया आपने ये डेक्सामेथासोन वाला नतीजा देखा है, आपको पता है, तो वो आप पे हंसेंगे और कहेंगे अरे भैया हमें इस नतीजे की क्या जरूरत थी, हम तो पहले दिन से डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि शोध में इन्फ्लेमेशन में और इन्फ्लेमेशन से होने वाली ऐसी गंभीर बीमारियों में पिछले कई दशकों से हम डेक्सामेथासोन वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते आए हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो डेक्सामेथासोन हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन है वैसे है। तो मैं इस धारा को लेकर आखिरी मुद्दे पे पहुंचूं कि हम अभी तक ये पूछे नहीं है कि क्या हमारे देश में जहां जहां कोविड 19 के बीमार रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनके तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था है भी या नहीं, ये नहीं हमने पूछा। हम रेमडेसिविर को लेकर उछल रहे हैं और इसमें पूंजीवाद और एक सबको साथ लेकर चलने वाली समाजवादी नजर, ये जो फर्क है ये इससे सामने आता है। हम भूल जाते हैं ऑक्सीजन भी दवाई है। इस जब इस तरह की बीमारी होती है तो ऑक्सीजन इज रियली अ मेडिसिन जस्ट एज डेक्सामेथासोन इज, ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमें दवाई नजर नहीं आता है, ना कि अस्पतालों को है या नहीं है, क्या है नहीं है, इसके बारे में खास चर्चा नहीं हो रही है। वेंटिलेटर्स की पहले चर्चा हुई थी एक दो बार, अब तो वेंटिलेटर्स मिलने लगे हैं पर कितनी पर्याप्त मिल रहे हैं और उसमें सचमुच जो क्वालिटीज होनी चाहिए लाइफ सपोर्ट इस तरह के स्थिति में, वो ये वेंटिलेटर्स है क्या, ये भी सवाल है। पर इन सब सवाल के लिए आपके साथ और एक दिन चर्चा करनी पड़ेगी, आज क्योंकि अब काफी गंभीरता पूर्वक और काफी विश्लेषणात्मक तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है कि हमारी इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है और दवाइयां कैसे काम करती है इस गंभीर बीमारी में। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और डॉक्टर रथ के साथ हम इस तरह की चर्चा आपके सामने और भी लाएंगे।